वंदे गुरुपद्द भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे राधिका श्रीनंदनंदन वंदेराधिका चरणोद गोपीजन सामुक्त बिंदव मनोहर वाछाकूवश कृपा सिंधुश पति पावने वैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगु लयतगिरी यकी तमहंग बंदे परमाधव बृंदावई तुलसीदेव पिया वै केशवश

भक्तिप्रमोदाक्षजगोद्वरुण्यो धैर्यं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तेथा स्वदं शिवभिरिञ्चनुतं शरण्यं भीतात्विहं पुनतपाल्भवाद्दिभूतं वन्दे महापुरुष ते चरुणार्भिन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय বিসুজিত কিমি গপবধুষর্শি পূর্ণানো রাগর সসাগর সারমূরি সারাধিকা কথা চৈতন্য প্রভু নিতন্দতগদাধর শিবসদি গৌরভক্তিদ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিতনন্দ सियाद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ভুজৌ আজানুম্বিতভুজৌ কনকু সংকীর্তনৈকিত কমলা হতাক্ষজবর যুগধর্মপাল বন্দে জগৎপ্রি করুণা ভুতারৌ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে हरे राम हरे राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिञ्च मुक्तिं च ददासि निं भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजठा कलापं गौरीनिरन्तरविभूषिः त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापुहारं वरानसि गीषजुशदने लक्ष्मीजस्व च वक्षसि यस्दयीशिंगमहजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। राम राम हरे हरे तत्साधु साधु मन नेह नम सदा समुद्र विघ्न धियाम सद्ग्रहा हित्वात्तो पातम गृह मंद वनम गत हयाद तत्साधुम असूरवर्जदेहीनम सदा सुद्भिग्न दिया सद्गृहाृहम्धकूपम वन ग्यादनिमाश्रिए गौरी गोष्ठीपति से सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी तक जगत गुरुजी ने बताएं लोगों का अंदर में जो अज्ञान है लोगों का अंदर में जो अज्ञान अंधेरा है ये अज्ञान अंधेरा को हटाना चाहिए इसका नाम है कृपा गौरी गोष्ठीपति भोती श्री शिलाभक्ति सिद्धांत और सरस्वती गोस्वामी जगत प्रहुपात जगत गुरु जी ने बताए लोगों का अंदर में जो अज्ञान अंधेरा छए हुए हैं यह अज्ञान को हटाना चाहिए लेकिन ये इतना आसान नहीं है इतना आसान नहीं है लोगों को माया से बाहर लेकर लोगों को माया का बाहर ले जाकर भगवत चरण में सेवा में लगाना इतना इतना आसान बात नहीं है बहुत कठिन है एक बद्ध जीव को माया का प्रभाव से बाहर लेकर भगवत चरण में काल के लिए पहुंचा देना ये कितना बड़ा सेवा है ये साधारण आदमी समझ नहीं पकते ये इतना आसान बात नहीं है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल स्टिल पॉसिबल फिर भी संभव है गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा संभव है एक महान गुरु वैष्णव कभी अपना शिष्यों का संख्या कितना है ये देखने के लिए बिजी नहीं है व्यस्त नहीं है एक वास्तव साधु एक वास्तव गुरु वैष्णव कभी कितना शिष्य बना है मेरा इस विषय में इंटरेस्टेड नहीं है हर वक़्त इनके चिंतन हैं जे कितना जीवात्मा का हृदय का जो कमल है हृदय कमल परिस्फुटन हुआ और भगवत चरण में समर्पित करने के लिए पुष्पांजलि देने के लिए तैयार हुआ माने रेडी हुआ ये समझते हैं ये सोचते हैं पहले भी चर्चा कर चुके क्वालिटी एंड क्वांटिटी कैन नॉट पर टुगेदर अगर क्वालिटी 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 अगर मांगते हो तो क्वांटिटी का साथ आपका समझौता करना मुश्किल हो जाएगा अगर क्वांटिटी चाहते हो क्वालिटी का साथ आप क्या करोगे वो तो बन नहीं पाएगा बहुत मुश्किल शिला सच्चिदानंद भक्त ठाकुर जी ने नित्य जगत में जाने का पहले जड़ जगत से जाने का पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती को ठाकुर झगुर पहुपात जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती को ठाकुर झगुर जी को विशेष करके तीन आदेश दिए हैं एक है बद्ध जीवों को बचाने के लिए तुमको प्रॉमिस करना पड़ेगा प्रतिज्ञा करना करेगा तुम धाम परिक्रमा नवाद्दीप धाम परिक्रमा चालू करोगे ये तुमको प्रतिज्ञा करना पड़ेगा भक्ति ठाकुर जी ने ये जगह छोड़ के जाने का पहले जी को तीन प्रतिज्ञा करवाया एक है आप बद्ध जीवों का मंगल के लिए धाम परिक्रमा का व्यवस्था करोगे फर्स्ट सेकंड है आप धाम प्रकाश धाम का प्रकाश धाम का जो उन्नयन है बाहरी और अंदर का सारे इस विषय में आदेश किए हैं और तीसरा है जो दैव वर्णाश्रम है उसको रीएस्टैब्लिश करना है क्योंकि दैव वर्णाश्रम को अगर प्रतिस्थापित नहीं किया जाए तो गुरु वैष्णव का ऊपर अन्याय अत्याचार चलते रहेगा लोगों को गलत फहमी है समझता नहीं है दैव वर्णाश्रम क्या है दुव वर्णाश्रम का नाम पे तमाम दुनिया का उठ पटांग चल रहा है देखो एक एक सोसाइटी में वो खुद समझता ही नहीं दैव वर्णाश्रम क्या है यशो यत लक्षणम प्रोक्तम पुनक्षो वर्णाभिव्यंजक ये सब जो श्लोक है सब ये लोग समझता नहीं उल्टा सीधा व्याख्या करता है जो इच्छा कर रहा है तीनों पथज्ञा करवाया शिला स्वच्छिदानंद भक्ति में ठाकुर ने बहुत विचार करके देखा बद्ध जीवों को बचाने के लिए एक धाम परिक्रमा छोड़कर दूसरा कोई व्यवस्था उतना इफेक्टिव नहीं है जीवों का लिए धाम परिक्रमा सबसे बड़ा इफेक्टिव है धाम परिक्रमा अगर कोई बद्यजीव करे और महाजनों का अनुगत्व में महाजनों का अनुगत्व में एक महापुरुष का अनुभवी गुरु वैष्णव का अनुगत्व में अगर धाम परिक्रमा करे इसका क्या फल है ये नहीं बता सकता इतना भगवान जो विषय क्षमा नहीं कर सकता जिस विषय पर भगवान क्षमा नहीं कर सकता उस विषय पर धाम क्षमा कर सकता भगवान का धाम क्षमा कर सकता जैसे एक उदाहरण दे अश्वत्थमा ने बहुत बड़ा अपराध किया वैष्णव अपराध अश्वत्थमा इतना बड़ा अपराध किया जो जीते जी ओ पिसाच जोनी प्राप्त हुआ जीते जी ओ पिशाच जो नहीं प्राप्त हुआ अपना शरीर से दुर्गंध दूषित इतना दुर्गंध निकालता है कई विद इन किलोमीटर्स नोबाड़ी कैन स्टे इतना दुर्गंध दूषित अपराध के कारण क्षमा नहीं मिली बाद में शास्त्रों का विचार से इन्होंने धाम सेवा का निर्णय लिया धाम सेवा धाम परिक्रमा नंद गांव से उत्तर पश्चिम दिशा पे पिशाई गांव बोल के एक गांव है आज तक अश्वत्थमा अपना भजन कर रहे हैं क्षमा मंद है हर वक्त प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको खमा कर दो जो हो गया हो गया जगाई मादाई का बारे में विचार किया जाए जब भी नित्यानंद प्रभु का कृपा के द्वारा जगई मदाई का ऊपर महाप्रभु गौरंग महाप्रभु ने भी कृपा की फिर भी इसको कन्फर्म करने के लिए भगवान हमको क्षमा किया ठीक है लेकिन भगवान अगर सेवा ना दे तो आगे चलकर कुछ हो सकता भगवान अगर सेवा दे दे तो कन्फर्मेशन है तो जगई मदाई ने सेवा मांग लिया मादाई घाट का सफाई करना भक्तों लोगों आए धाम सेवा इस धाम सेवा का अंदर आता है ऐसा करके धाम सेवा धाम परिक्रमा बड़ा इफेक्टिव है इसीलिए भक्तम ठाकुर जी का आदेश के द्वारा प्रेरित होकर हमारा पहुपा जी पुनः नवद्वीप धाम परिक्रमा का व्यवस्था की जब भी जब भी नवद्वीप धाम वृंदावन धाम एक है जब भी नवद्वीप धाम और वृंदावन धाम अलग नहीं है एक ही है फिर भी नवद्वीप धाम का महिमा ज़्यादा है ये प्रबधान सरस्वती पा जी ने भी बताया है। क्योंकि ये नवद्वीप धाम खमामय धाम है यहाँ ज़्यादा क्षमा मिलती है ब्रजधान में खल ब्रजधान में क्षमा मिलना बहुत मुश्किल है कुछ सेवा अपराध कर दिया कुछ किया नवद्वीप धाम में क्षमा मिलता है गौर नित्यानंद नाम लेने से इसमें अपराध का विचार नहीं है और गौर नित्यानंद का नाम लेने से अगर पहले का कुछ अपराध अगर नहीं है तो लिखा हुआ है प्रेम पैदा होता है आंखों में आंसू आता है शंकर भगवान का सामने पार्वती मैया ने एक प्रश्न रख दी भले आप जो गौर गौर करते हो गौर नित्य करते हो ये कौन है आइए नवद्वीप धाम के बारे में आप महिमा कीर्तन कर क्या है शंकर भगवान जी ने बताए जंग एव राधिका कृष्ण स्व एवं गौरविग्रह जो राधा कृष्ण है यही गौरंग महापुर रूप में आया है यह हम गौर पूर्णिमा का दिन चर्चा करेंगे आज तोरा टॉपिक अलग है जंग एव राधिका कृष्ण स एव गौरविग्रह जच्चा वृंदावनम देवी नवदिवश तत्शुभम देवी जो राधा गोविंद जी है यही राधा गोविंद मिलकर गौरंग रूप से आया है इस कलिकाल में ये गौरंग महाप्रभु है और जिसको आप वृंदावन धाम जानते हो नवद्वीपंच तत्शुभम ये नवद्द्वीप एक ही धाम है फिर भी विशेष ये है जे नवद्वीप धाम का परिक्रमा करने से और ज्यादा फायदा है इसीलिए गौर ब्रज बने भेदना मानी बो हई बो राधारो दासी ठीक है ये बात ठीक है अभिन्न दर्शन करना हमारा गौरी दर्शन का यही विशेष है जे गौरंग महाप्रभु का अनुगत्व में राधा गोविंद का भजन करना यथा यथा पदार बिंद बिंदे, बिंदे त तो भक्ति मिकित राशि तथा तथा उत्सर्पतिहिद्यो अकस्मात राधा पदाम्बु जो सुधाम्बु ये तो ठीक है फिर भी गौरंग विश्वनाथ चक्रोवाद जी ने लिखा है कृष्णदास कबीराज गोस्वामी ने रूप गोसा सारे लिखा जे गौरंग महाप्रभु का अनुगत्व में हमारा राधा गोविंद जी का ये भजन का जो विशेष है ये गौरी भजन का विशेष स्पेशलिटी है बद्ध जीव सारे संसार का कूप में डूबे हुए हैं जीव जितना सारे बद्ध जीव है जितना सारे बद्ध जीव है सारे संसार कूप में डूबे हुए हैं ये लोगों का मंगल का विधान करना बड़ा मुश्किल है ज़ारा सा भी इन लोगों का अंदर में कॉन्शियसनेस नहीं है बहुत कमी है इस अवस्था में संसार कुप से बाहर कर कर इन लोगों को भगवत चरण में पहुंचा देना बहुत कठिन इसलिए प्रहलाद महाराज जी ने असुर राज हिरण्यकशिपु को बताए क्या अच्छा समझते हो क्या शिक्षा आपको प्राप्त हुआ है इस समय ने प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया तत्साधु मन्य है असुर वर्ज दे शरीरधारी ये जो जीव है शरीरधारी ये सब जीवों के लिए विशेष करके आदमी जो ह्यूमन बीइंग है मनुष्य जाति प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिए तत्साधु मन्य है असुर वर्ज दे पिता नहीं बताए जो जब असुरो वर जो बोल के सम्मान दिया हिरण्य गुजुब सोचा देखो कितना सम्मान दिया है मेरे को जब असुरो वर जो नाम बोला तो हिरण्य जो सोचा कितना तमीज है कितना सुंदर सीखा है और साधु लोगों ने हंसी उड़ाया पिता नहीं बताए अब असुर लोगों में श्रेष्ठ है असुर राज है मतलब रजगुण तमगुज का रजगुन तमजगुन रजगुन तमगुण का खजाना है ये क्या अच्छा अच्छा टाइटल है क्या लेकिन असुर है इसका लिए यही अच्छा है तत्साध मन जो देही नाम सदासमुद्भिग्गुनधी धिया असद गृहात् हर भगत अशद ग्रहो महाराज आपका सनीचर बहुत खराब है आपका मंगल भी बहुत बिगड़े हुए है राहु केतु भी अच्छा नहीं है ऐसा करके आपको एस्ट्रोलॉजर ने बड़ा प्रेस्क्रिप्शन दे दिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि सदा समुदिघ्न धिया हर वक्त बेचैनी बने रहते हैं हृदय में हृदय के अंदर में हर वक्त एक, एक किस्म का बेचैनी बेचैनी किस लिए डर है डर किस लिए भयम द्वितीय विनेशात ईशात अपत विपर्जयअ स्मृति तन्मया तो बुधो आभयत्व भक्त एशम गुरुदेव तात्मा इस विषय पर चर्चा नहीं हो पाएगा इस विषय पर चर्चा नहीं हो पाएगा बात यह है डर कहाँ से आता है डर कहाँ से आता है डर आता है जब हमारा भगवत चरण से हमारा चिंतन घूमकर विषय में जाता है जब भगवत चरण से गुरु वैष्णव भगवान का चरण से जब हमारा मन की चिंता विषय का जाता है इस समय एक किस्म का अनजाने डर पैदा होता है कब मर जाए कोई ठिकाना नहीं है ये पैसा कोई लूट ले तो ठिकाना नहीं है तरह तरह का डर हृदय में पैदा होता है प्रहलाद महाराज कह रहे हैं तत्साधुमन्नेसुर है वर जो देही नाम सदा समुद्भिग्न दिया गुरहात, जैसे अशद ग्रहों पकड़ने से जैसे बेचैनी बने रहते हैं ऐसा प्रहलाद महाराज सहते है कहते हैं कि हम तो ये सोचते हैं अशतगुणाद हित्वात्पातम तो हित्वात्पातम तो हित्वात्पातम आत्मपात माने इट इज लाइक like स्क्वाड इट इज लाइक कमिटिंग like सुसाइड आत्महत्या करने का बराबर जब ही आत्म बोलने से यह एक गलती हो सकता ये आत्मों बोलने से आत्मा नहीं है कि आत्मा अविनाशी है आत्महत्या जो शब्द यूज करता है आत्मा को तो मारा नहीं जाए लेकिन इस जगत में ये शब्द चलता है आत्महत्या आत्मा का हत्या करना संभव नहीं है अविनाशी है ये शरीर को मारना इसको ही आत्महत्या बोलता है चलो ठीक है हित्वात्पातम तो आत्मपात तो आत्मपात तो मतलब अपने को गिराने वाला जो संसार है मारने वाला जो संसार है इस संसार से बाहर निकलकर हरि भजन के लिए जंगल में जाए ये मैं समझता हूँ अच्छा अभी जंगल कहाँ जाए हमारा गुरुवर्ग ने सिखाया तो जंगल क्या है भगवान श्री कृष्ण ने इसका उत्तर दिया है उद्धव जी को बनम तु सत्यकम बासम राजसम गामो बनम तू सत्यम वासम ये सत्य सत्यिक वास मतलब साधु संतों का बीच में रहना हरि हरिकथा के बीच में रहना इसका मतलब है जंगल में रहना जंगल में रहना का ये मतलब नहीं है हम बाहर में कोई सन्नाटा कोई जंगल में चले जाए वहाँ जाके आंखें मुद कर बैठ जाए कहाँ जाओगे कहाँ जाओगे जहाँ भी जाओगे जहाँ भी जाओगे वहाँ आपका मेटेरियल माइंड को लेके जाओगे आपका माइंड आपका माइंड जो है मेटेरियल माइंड इसी को ले तो जाओगे कहाँ जाओगे आपका परेशानी हटाने के लिए कहाँ जाओगे जंगल में जाओगे सन्नाटा महाराज मस्ती में रहेगा लेकिन पोपाजी जी ने बोला पोपाजी जी ने बताया हमको डिस्टर्ब मत करो हमको शांति से जीने दो एक कामुक है इसका पैसिव काम है अंदर में हमको डिस्टर्ब मत करो हमको शांति से जीने दो ये क्या है ये क्या है शांति से जीनो दो मतलब इसका अंदर में पैसिव काम है कभी एक भक्त ऐसा नहीं बोल सकता भक्तों का कहना है तुम्हार से बाय दुखो हाई यो से हो तो परम सुख भक्तों का कहना है विचार है जितना भी परेशानी झेलना पड़े गुरु वैष्णव के लिए तमाम दुनिया को बचाने के लिए जितना भी परेशानी झेलना पड़े वो मंजूर है क्योंकि ये गुरुवर्गो ने बताया मेरे को गुरुवर्ग ने बताया अब मनु महाराज के अब मनु महाराज जी का बात पहले बहुत बार कह चुका भयम प्रमत्त पिशात यत स्वास्ते सह षट पत्निया जितेंद्रियस्वात्मरतिर्बुस्व संसार बंदन किम नु कवध्याम मनु महाराज जी मनु महाराज जी को मनु महाराज जी का जो पोता है ए मनु महाराज जी का जो लड़का है प्रियव्रत मनु महाराज जी का जो लड़का है ब्रह्मा जी का पोता है इन्होंने जंगल में गया नारद जी का अनुगत्य में भजन शुरू कर दिया लेकिन ब्रह्मा जी ने उसको मना के लाया पिताजी बुढा हो गया बहुत सारे कहानियां हम बताना नहीं चाहे हमको मतलब है धाम का महिमा इंटरैक्टिव स्पीच चलेगा दो एक दिन उसके बाद धाम का वर्णन थोड़ा बहुत इसका बाद गौरंग महाप्रभ का जो महिमा है शिक्षा शिक्षा अमृत तो है इस सब बारे में चर्चा करना चाहिए भयम प्रमत्वष बनीषो पिसात भयम प्रमत्व स्व पिछात अब अगर जंगल में जाओगे जंगल में जाके भी आप देखोगे आपका माइंड बॉम्बे में जा रहा है आपका मेटेरियल माइंड बॉम्बे में चला जा रहा है आप रोक नहीं पाओगे क्योंकि आपका सेंस ऑर्गन आपका मेटेरियल माइंड नॉट अंडर योर कंट्रोल आपका मेटेरियल माइंड आपका सेंस ऑगन जो कुछ भी है आपका कंट्रोल में नहीं है भजन करने का सबसे गुप्त सीक्रेट रहस्य है पहले मन को वशीभूत करो भजन का सबसे बड़ा प्राइमरी चीज है सर्व एवं मनोनिग्रह लक्षणांता मन को वसीबूत करो पहले नहीं तो नाम होगा नहीं अवश्य हमारा गौड़ियों विचार के द्वारा मन को वसीबूत करने का अलग तरीका है और जो ज्ञान मार्ग जो कर्म मार्ग ध्यान ये इस सब इसका अलग है भक्ति मार्ग हमारा जो है इसमें गुरु वैष्णव का सेवा के द्वारा ही मन को वसीबूत किया जाए कई सारे प्रमाण मैं दे सकता हूँ कई सारे प्रमाण भागवत महापुराण में भी है हर जगह गुरु सेवा के द्वारा गुरु वैष्णव सेवा के द्वारा मन को वशीभूत किया जाए वेरी इजीली रजस्तमश सत्येन रजस्तमश सत्येन सत्यं च उपशमेन च ए सर्वम ए सर्वम गुरु भक्तया पुरुषो ही अंजसा जयत भगवान कह रहे हैं उद्धव जी को रजस्तमस्य सत्य रजतम को रजतम को डिफिएट करो सतगुण के द्वारा सतगुण को डिफियट करो शुद्ध सतो के उपोषमे च, उपोषमे च मतलब उपोषम का मतलब रिलीफ एक बीमारी चल रहा है बीमारी से रिलीफ उपशम उपशम का इधर मतलब है गुरु वैष्णव का अनु अनुगत में सेवा करना एकादशी आदि तिथि का पालन करना हरि कथा शोभन करना ये उपशम मेरा गौरीय विचार के ए, अनुसार जो अर्थ बैठता है गुरु गौरीय विचार के द्वारा उपशमेन चौ तो उपशमेन चौ मतलब इसका अंदर में धाम परिक्रमा नाम करना सब कुछ आता है सब कुछ है गुरु वैष्णव का सेवा करना जो कुछ भी रिलेटेड सब कुछ तो रजस्तमश्च सत्यन न सत्यं च उप समय न छत सर्वम गुरु भक्ता पुरुष ही अंजसा आ जाए अंजसा मतलब इजिली वेरी इजिली बहुत अनायास गुरु वैष्णव के द्वारा दूसरा का पसरियोर दूसरा कोई पसरियोर आप अपनाओगे अब मरोगे कुछ नहीं होने वाला कुछ नहीं होने वाला तो मनु महाराज जी मनु महाराज जी ब्रह्मा जी को बुला के लाए ये मेरा बात मान नहीं रहा है आप थोड़ा आपका पोता को समझाओ कि संग ये ए, ए तो गद्दी में बैठना है सिंहासन में मोरू महाराज जी मनु महाराज जी का लड़का जो है प्रिय वतो इसका तो बड़ा डिटैचमेंट है वैराग्य है और ब्रह्मा जी ने समझा रहा है देखो बेटा अगर आप जंगल में भी जाओ वहाँ भी वहाँ भी अगर जाओ तो आप अपना मन को मेट्रियल माइंड को लेके जाओगे परेशानी झेलना पड़ेगा क्योंकि मेटोरियल माइंड है आपको सताएगा आपका जर मन कहा करोगे अगर मन को बशबूत करके संसार समाज संसार में रहो टू शो वन काइंड ऑफ आइडियलिज्म इन द सोसाइटी इट्स नॉट बैड इट्स वेरी गुड इसका बारे भक्त में भक्ति ठाकुर जी ने क्या बोला काल हम बताएंगे बोले देखो बेटा अगर मन को मजबूत करके अगर मन मजबूत हो गया ग्राम मजबूत हो गया तो क्या हर्जा है संसार में रहो आदर्श दिखाओ समाज संसार को इसमें क्या तकलीफ है क्या हर्जा है ऐसा करके समझाए कहने का मतलब है प्रहलाद महाराज हिरण्य को कह रहे हैं कि कोई आप क्या क्या अच्छा समझते हो क्या सीखा है प्रहलाद महाराज ने बताया तत्साधुमने असुर वर्ज दे सदा समुद्विग्न दिया पातम गृहात्वात्मपातम तो गृहमंधकूपम वनम गत यद हरिमाश्रयत अंधकूप से जैसे गोकर्ण जी महाराज गोकर्ण जी महाराज आत, जी का सामने आत्मदेव पिताजी रो रहे हैं अंधकूप में पतित हूं मैं स्नेहा कूप में पतित हूं मैं मेरे को बचाओ मामो है हमको बचाओ दे बचाने के लिए साधु गुरु बैष्णव है तो पोपा जी ने विचार किया भक्तिम ठाकुर का आदेश का अनुसार ये धाम परिक्रमा का व्यवस्था की क्यों ये धाम परिक्रमा विशेष करके विशेष करके नवद्वीप धाम परिक्रमा का विषय जो है ये नवद्वीप धाम परिक्रमा के द्वारा बद जीवों का मंगल हो सकता बहुत मंगल हो सकता धाम का परिक्रमा करे तो क्यों भले धाम क्या है धाम नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण पहले भी बताया आग आप अगर भगवान का पूजा करोगे गुरु वैष्णव को अपमान करोगे कुछ नहीं मिलने वाला आप अगर भगवान को पूजा करोगे धाम को है अपमान करोगे बस उल्टा हो जाएगा तो मतलब यह है ये जो बदंती तत्वीदम तत हैं तत्तम यद ज्ञानम अध्ययम ये जो औद्वय ज्ञान तत्व है ये ज्ञान ऑल इंक्लूसिव। मैंने अद्वय ज्ञान तत्व मतलब भगवान भगवान का नाम भगवान का धाम भगवान का परिकर भगवान का वही वै, लीला वैसे सब कुछ लेकर टोटल परफरना लिया लेकर एक भगवत तत्व है भगवत तत्व का माने ये नहीं है भगवान को बुलाओगे और धाम को फेंकोगे ये नहीं है समझा नहीं ये औद्वैगण तत्व औद्वैगण तत्व मतलब डुल कंसेप्शन शुड नॉट बी देर डुवेल कंसेप्शन कैन नॉट स्टैंड देय शुड नॉट स्टैंड देय एक तत्व है भगवान भगवान का नाम भगवान का परिकार वैशिष्ट शक्ति आदि सब लेके भगवान का तमाम शक्ति है अनंत शक्ति ये शक्ति सब को लेकर भगवान एक तत्व है मायावादी लोग समझता नहीं मायावादी लोग नहीं। तमाम शक्ति के द्वारा ता, तमाम शक्तियों के द्वारा अनंत शक्तियों के द्वारा समान्वित जो तत्व है ये तत्व का नाम भगवत तत्व जय जय यित गुना समात्म न समस्त भग अग यग धूको सा मखिल साक्त बबोधगते ये जो है वेद स्तुति है इसमें सब वेद आदि स्तुति कर रहा है भगवान को भगवान सोए हुए हैं भगवान दया करके आपका जो माया है अजा इसको खत्म करो नहीं तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है धामों के या धामों को ये आंखों के द्वारा दिखाई नहीं पड़ेगा वट यू कैन सी यू कैन सी स्टूल यूरिन ब्यूटिफुल गर्ल हैंडसम एन अ मैन दैट यू कैन सी अ कंसेप्शन ऑफ ब्लड एंड फ्लैश आदमियों का विचार इतना घटिया है इसका दर्शन इतना गिरा हुआ है इसको धाम दर्शन करना नामुमकिन है असंभव कैसे धाम दर्शन करें धाम दर्शन करने के लिए तो चाहिए किपा। धाम सब प्रकाश वस्तु है धाम अगर किपा ना करे जोर जबरस्ती आप धाम दर्शन करोगे है आप फ्लाइट का टिकट करके वृंदावन चले जाओगे करके दिखाओ आपका हिम्मत है तो दिखाओ इतना हिम्मत है दिखाओ संभव नहीं है ऐसा करके भगवान भगवान का भक्तो भगवान का धाम ऐसे देखा नहीं जाए इम्पॉसिबल धाम को दर्शन करने के लिए गृपा चाहिए भक्ति ठाकुर जी ने बताए सारे ये जो धाम का अंदर में जितना सारे होटल हैं जितना सारे बिजनेस चल रहा है चारों ओर गेस्ट हाउस चल रहा है ये सब ये सब जो है धाम का साथ कांटेक्ट नहीं है ये धाम का साथ कोई कांटेक्ट नहीं है आप विश्वास नहीं करोगे धाम का साथ इसका कोई कांटेक्ट नहीं है भक्तों को बोल दे आर ऑन द नेट ऑफ माया माया देवी ने एक नेट बिछाया हुआ है जैसे पानी में नेट को बिछा के मछली को पकड़ता है ये नेट बिछाया हुआ है माया देवी का एंड दे ऑल आर रेस्टिंग ऑन दट नेट दे हैव नो कंटैक्ट विद धाम अप्रैक इथ धाम इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए नहीं तो सिर्फ हम बोलते चले गए ऐसा ऐसा हुआ है क्या फायदा है कोई फायदा तो है नहीं तो ये जो धाम का साथ ये जड़ जगत का जो मेटेरियल आदमी है लोगों का कोई दर्शन नहीं होता है माया भक्तिमोन ठाकुर जी ने लिखा है धाम परिक्रमा खंड में है जब भगवान कृपा करके माया का जाल को उठाते हैं तब धाम का दर्शन होता है अपरागित धाम का दर्शन होता है नहीं तो धाम का दर्शन होता होना संभव नहीं है धाम का दर्शन होता नहीं धाम का परिक्रमा धाम का दर्शन इन प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली होना बहुत मुश्किल है फिर भी शुद्ध गुरु वैष्णव का साथ शुद्ध गुरु वैष्णव का अनुगत्य में अगर करें इस विषय में हम आएंगे बात में विचार करेंगे पहले धाम क्या चीज है पहले ये बताओ ये धाम क्या चीज है हम अगर समझे नहीं धाम क्या चीज है तो क्या करें भगवान का शक्ति को कैटेगरी तीन भाग बेसिकली तीन भाग में डिवाइड किया जाए एक है संधिनी शक्ति दूसरा है संगित शक्ति और तीसरा है लादिनी बेसिकली तीन संधिनी शक्ति संबित शक्ति लादिनी शक्ति और संधिनी शक्ति के द्वारा क्या होता है और ई जड़ जगत में इसका क्या असर है व्हाट इज द इफेक्ट ये जो संदिनी शक्ति अपरागिक जगत में है अपरागित जगत का जिस तरह धाम है परिकर है सब कुछ जो ऑल डेकोरेशन वॉट एवर यू फाइंड संदिनी शक्ति का डेकोरेशन है मतलब संदिनी शक्ति से आए हुए आए हुए मतलब आए हुए, मतलब, हुए मतलब ये मत समझो कि वन स्टार्टिंग पॉइंट इज नॉट दैट हर पल पल में हमको बहुत सावधानी से बात करना है आप गलत समझोगे आए हुए हैं इसका मतलब नहीं है हाँ ठीक है सौंदनी शक्ति से ये सब प्रकटित है भगवान का निजी जन भगवान का धाम सब ठीक है तो संदिनी शक्ति से आए हुए है इतना मतलब नहीं है कि देर इज सम स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं है इसका मतलब है प्रेजेंट और धाम विभू वस्तु है धाम विभू वस्तु है धाम का कोई लिमिटेशन नहीं है जो पाँच है पाँच किलोमीटर चौराई है सोलो क्रोस हमारा नवदीप धाम वृंदावन चौरासी क्रोश आज चौरासी कोस एंड सोलो कोस एक है हमारा नवदीप धाम सोलो क्रोस है और वृंदावन धाम चौरासी क्रोस है हिसाब लगाने जाओ चौरासी तो कोष ये चुरासी कोष ये होने से ये माने नहीं है चुरासी कोष मतलब हम इसको मेजरमेंट कर लेंगे चौरासी कोष है ऐसा नहीं है विभू वस्तु है चुरासी कोष लिखा हुआ है फिर भी चौरासी कोष का अंदर ये विभू वस्तु है अनंत और सोलह कोश जो धाम नवद्वीप धाम है ये भी विभू वस्तु है ये भी सोलो क्रोस लिखा हुआ है लेकिन बिबू वस्तु है इसका लिमिटेशन नहीं है <coughs> एक उदाहरण दे दे क्लियर कंसेप्शन आपको ग्रो करना चाहिए अंधेरा में रहने से होगा नहीं एक क्लियर कंसेप्शन होनी चाहिए धाम के बारे में जैसे कोबी कर्णपुर जी ने बताएं, कोबी कर्णपुर जी ने शिवानंद जी का जो लड़का हम बोलना नहीं चाहते ऐसा लड़का पिता ये सब रिलेशन नहीं बोलना चाहता हमने बोला ये कोवि कर्मपुर जी ने उन्हें ने लिखा है क्या आश्चर्य की बातें हैं एक गंभीरा मंदिर है इतना छोटा सा जगह है यहाँ लाखों लाखों लोग हजारों हजारों लाखों लोग इसके अंदर में समा गया और फिर आया निकाल आया कैसे संभव है कोबी कर्णपुर जी लिखा है इतना छोटा सा जगह है इतना छोटा सा जगह है ये गंभीरा मंदिर लेकिन इसका अंदर में हजारों हजारों लोग कैसे घुस रहा है प्रभु का दर्शन के लिए कैसे एकोमोडेशन हो रहा है ये पता नहीं कोबी कौर्नपुर लिखा है क्योंकि गोमिरा मंदिर देखने में छोटी सी जगह है लेकिन बेबू बिबू वस्तु है बेबू वस्तु का और उदाहरण दे दे धाम का अंदर में टाइम स्पेस टाइम स्पेस एंड मैटर कंसेप्शन ये चलता नहीं धाम का अंदर में धाम का अंदर में टाइम स्पेस एंड मैटर का कंसेप्शन चलेगी नहीं ध्यान दे इस बात कर धाम का अंदर में आपका टाइम स्पेस एंड मैटर जिस कंसेप्शन लेके आप जिंदगी गुजर रहे हो हर पल पल में कितना बजे देख रहे हो लेकिन धाम का अंदर में ये जो टाइम स्पेस एंड मैटर ये एप्लीकेबल नहीं है टाइम स्पेस एंड मैटर एप्लीकेबल नहीं है कैसे उदाहरण दे दे टाइम जड़ वस्तु है स्पेस ये भी जर वस्तु है मैटर ये भी जर वस्तु है मैटर मतलब जर वस्तु है ये तीनों ही ये धाम का अंदर में इसका कोई प्लेस नहीं है टाइम स्पेस एंड मैटर इंटर रिलेटेड वस्तु है टाइम स्पेस एंड मैटर इंटर रिलेटेड वस्तु है हम प्रमाण करके दिखा देंगे जैसे आइंस्टाइन ने लिखा है इज इक्वल टू एम सी और प्लैंक कंस्टेंट है एक पहले बैठेगा प्लैंक कंस्टेंट इज इक्वल टू एम सी एनर्जी रिलीज बाय एनी मैस इज इक्वल टू दैट मैस मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट कैसे बड़ा मैथमेटिक्स है मेरा कहने का मतलब है टाइम स्पेस एंड मैटर जर जगत में इंटर रिलेटेड ये टाइम स्पेस एंड मैटर विभू वस्तु धाम को धाम का एनवायरनमेंट को धाम का अप्राकृतिक समय को कंट्रोलिंग कर नहीं सकता एक मिसाल दे दे अगर पूछा जाए वाट डू मीन बाय टाइम समय को क्या क्या व्याख्या करोगे आप बोलोगे ये देखोगे अरे ये सब देखना नहीं चाहते टाइम का एक्सप्लेनेशन क्या है इसका एक्सप्लेनेशन टाइम के बारे में समय क्या चीज है जिस दिन आप समझोगे जिस दिन आप समझोगे समय क्या चीज है आप पागल हो जाओगे आइंस्टाइन पागल हो गया था चिंता समय कैनॉट एक्सप्लेन वाट इज टाइम अनंत काल से प्रवाहन अफ्लो चल रहा है समय अखंड काल इसको हमने अपना सुविधा के अनुसार वर्ष महीना है वर्ष महीना पक्षो वीक सप्ताह दिन घंटा इसमें इसको बांध लिया सच पूछो टाइम महाकाल जो है ये बहती हुई चीज है ये हमने एक अपना सुविधा के अनुसार कैलकुलेट कर लिया Einstein Einstein जी ने टाइम इज नथिंग बट मूवमेंट ठीक बताया हर क्योंकि अगर कोई रिलेटिव वस्तु नहीं है कोई रिलेटिव वस्तु कोई हमारे सामने तो क्या करे अगर कोई रिलेटिव वस्तु नहीं है तो हम मेजर क्या करें रिलेटिव वस्तु का काल चर्चा करेंगे रिलेटिव रिलेटिव वस्तु का आधार पर हम अपना पोजीशन को विचार करते हैं कोई भी वस्तु ये जगत में सब रिलेटिव वस्तु है पक्का वस्तु कुछ नहीं है तो टाइम इज नथिंग बाय मूवमेंट ना क्वेश्चन कमिंग मूवमेंट जो आप बोल रहे हो टाइम इज नथिंग बाय मूवमेंट कौन मूव करेगा कोई व्यक्ति कोई वस्तु मूव करे टाइम इज नथिंग माई मूवमेंट तो मूवमेंट करे कौन करे कोई वस्तु करे कोई व्यक्ति करे तो देन द क्वेश्चन ऑफ मेरा बॉडी भी मैस है ये तो मैस है ये बॉडी शरीर जो है जड़ शरीर ये भी मैस है तो एक मैस का कंसेप्शन आता है मतलब विषय का वस्तु का और इसका बाद आएगा कितना दूर तक ट्रेवल करे टाइम इज नथिंग माई मूवमेंट नाउ द क्वेश्चन ऑफ आस मैथ मैटर कमिंग एंड हाउ लॉन्ग हाउ फार कितना दूर तक ट्रैवल करे ये आता है मतलब टाइम स्पेस एंड मैटर इंटरटेड बट यू कैनॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला इनसाइड धाम वृंदावन धाम में नवोद्द्वीप धाम ने ये अप्लाई करने मत जाओ एक मिसाल दे दे जैसे अष्टकालीन लीला में आता है अष्टकालीन लीला का अंदर में आता है जे राधा रानी जब गांव से आई उसके बाद राधा कुंड छोड़ के कुसुम सरबत चली गई वहां से पुष्प चयन करके सहेली सखियों के साथ फिर पुनो राधा कुंड में आई राधा कुंड में सोरा सेवा फेवा की उधर से फिर चली वहाँ सूर्य कुंड में जहां पहले मैं रह रहा करते थे छोटा बन्ना गांव बहुत दूर अब वहाँ से जित यहाँ से जितना सारे सूरज पूजा सूर्य नारायण भगवान का पूजा के लिए जितना सारे पूजा का सामान आदि लेकर फूल आदि लेकर सहेलियों सखियों के साथ चले वहाँ जाके वहाँ पूजा पाठ के लिए तैयारी की उसके बाद फिर हो गया फिर राधा कुंड में आई आके राधा कुंड में दोपहर का लीला रचाई अब आप बोलेंगे महाराज ये इम्पॉसिबल ये इम्पॉसिबल है ये सारे एक एक मजा है कैसे संभव है महाराज कहाँ जाब गाम है कहाँ जाब ग है कहाँ राधा कुंड है और कहाँ कुसुम सरोवर है महाराज ये क्या ये क्या मजा है क्या कहाँ कुसुम सर से कुसुम सरोवर से फिर आ गया राधा कुंड राधा कुंड से फिर नंद फिर चला गया उधर है फिर चला चली गई सूर्य कुंड में सूर्य कुंड से फिर आए कैसे होता है महाराज ये तो बैठता नहीं विचार हां इसीलिए इस बात को उठाया जब को आपको क्लियर कंसेप्शन हो जाए धाम मापने वाला चीज नहीं है धाम बिबू वस्तु हमारा गुरुवर्गो ने बताया विश्वनाथ चकुर्दय आदि सारे गुरुवर्गो ने धाम एक कमल का जैसा धाम एक कमल फूल जो है पद्म फूल सहस्य पत्रो कमलम गोकुलाक्षम महत्पदम तत् अनंतांश संभव इसका बारे में खुलासा चर्चा करेंगे ये दो मिनट का चर्चा का विषय नहीं है कि महाराज कर दिया छोड़ दिया होगा नहीं जिंदगी भर के लिए हृदय का अंदर में धाम तत्व बैठ जाए जिंदगी भर के लिए गलती ना हो जाए बैठ जाए हृदय में तो ये जो अब जो विचार आ रहा है मेटेरियल कंसेप्शन ये जो विचार आ रहा है मेरा कैसे हो सकता है महाराज ये समय के अंदर में कैसे हो सकता है ये हो नहीं सकता मेटेरियल कंसेप्शन कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ अब जगत का विषय में प्राकृत जगत का कैलकुलेशन विचार लिटी कुछ नहीं स्टैंड करता खड़ा होना संभव नहीं कहने का मतलब है धाम विभु वस्तु है कभी अकॉर्डिंग टू नेसिटी, कंट्रैक्शन ये छोटा हो जाए कभी प्रयोजन का अनुसार बड़ा हो जाए एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन आई बात समझ में एक्सपेंशन कंट्रैक्शन धाम जरूरत पड़े तो कभी ऐसा हो जाता जरूरत पड़े तो धाम फैलता है बड़ा ऐसा हो जाता जैसे रात का टाइम में यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण का शयन का व्यवस्था की भगवान कृष्णों को मतलब लड़का को यशोदा मैया ने स्वयं का व्यवस्था की स्वयं करते समय यशोदा मैया बाहर निकाली और भगवान श्री कृष्ण अपना शयन कक्ष अपना शयन कक्ष से निकाली निकाले और निकालने के बाद चला गया कहाँ है ए जमुना किनारे का घोड़े पर सवार होकर गया था क्या बाइक लिया था क्या लिया था कैसे पहुंच गया अब बताओ जब भी उस समय पे जमुना का एक धार उधर भी आता है मधुबन में भी एक जमुना का धार लिखा हुआ है भागवत में जमुना का एक धार अभी धारा चेंज हो गया है ऐसे नवद्द्वीप धाम नवद्वीप धाम में अवलोकानंद का धारा और ये ये सब जो गंगा ये सब जो इतना चेंज हो गया ये ऐसा करके चेंज हो गया कि पता नहीं चलता ये महाप्रभु का समय में गंगा का जो असली धार है या आज जो म, जो जो हम आएंगे इसका चर्चा में मादाई घाट आदि जो चर्चा बारोकुना घाट आदि हम चर्चा करेंगे हैरान की बात है आपको पता नहीं चलेगा गंगा उस समय किस धारा से चल चल रही थी अब कहाँ घूम गया अब पूरा उल्टा हो गया पोला मातोला विद्व शिव सब इस पार में लिखा हुआ है सारे उल्टा हो गया अब उस पर में चला गया कैसे गया संभव नहीं ए धाम को बाहरी विचार में आप देखोगे सब उल्टा पलटा होता है इसका बारे में बहुत सारे प्रमाण है भक्ति में ठाकुर चित्ते नवदीप बोल के किताब है इसमें भक्ति में ठाकुर जी ने हंटर साहेब हंटर साहब का विचार को और बाकी हिस्टोरिकल एविडेंस लेके कितना सुंदर विचार विचार किया भक्तिम ठाकुर जी ने अहोभाग्यो में ठाकुर हमारा परंपरा में है फिर भी दुर्भाग्य है कुछ ले नहीं सकता अहोभाग्यो में ठाकुर बहुपात ये सब जो है हमारा परंपरा के अंदर है हर हालत में हमको कामयाबी मिलनी चाहिए हर हालत में एट एनी कॉस्ट लेकिन मिल नहीं रहा क्यों पहले हमारा गलती है हमारा दर्शन का खोटा है खोटा हमारा दर्शन का खोटा है जब तक दर्शन को हरिकथा कीर्तन के द्वारा परिमर्जन नहीं कर सकते तब तक कुछ नहीं होने वाला कुछ नहीं होने वाला कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं होने वाला ये हरिकथा कीर्तन को श्रवण कराने के लिए ये धाम परिक्रमा का व्यवस्था और धाम परिक्रमा शुद्ध गुरु वैष्णव का अंडर में करना चाहिए इस बारे में हम काल परशु चर्चा करेंगे प्रमाण देखे ऐसा नहीं गप नहीं हैरान की बात है भगवान श्री कृष्ण कैसे वहां से निकाले जमुना किनारे पहुंच गए कहा निधिवन है कहां कुंजो है हैरान करने वाला बात कैसे संभव है पहले इसका विचार यह है धाम विभु वस्तु है धाम एक कमल का हम प्रमाण दिया ब्रह्म संगीता से कल इस विषय पर खुलासा करेंगे धाम क्या है कैसे आया है देव का ये देव बलराम का साथ ये जो ये जो ये जो संधिनी शक्ति का आधार है क्या करता है बलदाब जी महाराज कैसे धाम को प्रकट किए सारे विषय में बहुत गंभीर चर्चा धाम विभु वस्तु है और राधा रानी सहेली या तो राधा रानी तो बहुत दूर की बात है गौरंग महापुर माधवंदोपुरी पात या तो वृंदावन का कई सारे संत महात्मा हैं जैसे नागा बाबा निम्बार के समुदाय से नागा बाबा इतना तो नागा जी नहीं है नागा मतलब नागा संप्रदाय का नहीं है इसका नाम है नागा बाबा नागा बाबा वृंदावन में गोविंद जी का आरती दर्शन करके हवा का मापी चलते थे गोवर्धन परिक्रमा कर दिया करके फिर नंदोगाम बरसनक प्रसन्न कर दी फिर चला गया पैगामव हरी पैगाम में उसका जन्म था मैंने गया था जो जगह भजन कुटी रहे कैसे संभव है कैसे संभव है हमारा नगा बाबा हमारा निम्बार के संप्रदाय का नगा बाबा गोविंद जी का दर्शन वहाँ निकाला हवा जैसा चल रहा है आपका लिए गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए छत्तीस बार आपको मालाई खाना पड़ेगा बैठना पड़ेगा आराम कितना दुखता है पैर और गुरु वैष्णव परिक्रमा करके छोड़ देगा बैठे रहो आप हाँ बैठे रहो आराम से हवा खाते रहो खाते रहो हवा आप मलाई खाते रहो है गुरु वैष्णव का कृपा लेने के लिए तैयार हो तो गुरु वैष्णव की कृपा मिले नहीं तो कैसे होगा इसलिए धाम का कैलकुलेशन धाम का डिस् धाम धाम का अंदर डिस्टेंस का कैलकुलेशन ऐसा नहीं करना चाहिए ये ऐसा ऑटोमेटिक हो जाता है सिर्फ आप सेवा का भाव लेके रहो और देखोगे कहाँ पहुँच गया राधा रानी का कैलकुलेशन नहीं है कि मैं कैसे जाऊँ कितना टाइम लगेगा रे ऐसा नहीं है वो सेवा का भाव लेके दौड़ रही है और टाइम देखने का काम है जोगो माया ये चैतन्य में के इशारा दिया ये आमी हो ना जानी ना जाने गोपीगौन हम भी जानता न भगवान कह रहे हैं कि हमको भी जानकारी नहीं है ये कैसे क्या हो रहा है और गोपियों को भी जानकारी नहीं है तो किसका जानकारी है आपका जानकारी नहीं है तो किसका जानकारी है बोले महाराज हैरान की बात है आमियो ना जानी ना जाने गोपीगौन ये कैसे कैसे हवा चल रहा है कौन जाने तो कौन जाने महाराज इसका बारे में चर्चा किया था अंग्रेजी कथा में बहुत सारे चर्चा किया था ये जोग माया भगवान का जोग माया तमाम व्यवस्था कर रहे कर रही है दैट इज द लुक ऑफ ऑ जग जोग माया जोग माया उपाश्रितम जब भी जोगमाया भगवान अभिन्न है फिर भी भगवान ने जुमा दे रखी है जुमा दे दिया इट इज़ द लुक आउट ऑफ जोग माया इट इज़ नॉट द लुक आउट ऑफ राधा रानी इट इज़ नॉट द लुक आउट ऑफ गोपिकास और कृष्ण ये लोग सेवा करते रहे बस बाकी जोग माया का कैलकुलेशन कैसे क्या करे कैसे व्यवस्था करे कैसे अरेंजमेंट करे जोग माया का अब ये जोग माया बारे में भी कंसेप्शन आपका नहीं है महामाया जोग माया हम चर्चा करेंगे पूरा माँ क्या है हमारा भक्तिवल अक्तित्व गुशी महाराज पहले माधव गुशी महाराज हमारा गुरु जी कैसे जाते जाते व्याख्या करते थे पागल हो जाओगे क्या संग कर रहे हो हैं क्या संग कर रहे हो गुरु वैष्णव का संग करो कर देखो गुरु वैष्णव का संग करके देखो पोपा जी को एक दफे गोरक गोरकिशोर दास बाबूजी महाराज ने कहा देखो तीन प्रतिज्ञा आपको ती, तीन प्रतिज्ञा करना पड़े क्या है आप कलकत्ता में ब्रह्मांडे ब्रह्मांड ना अमार प्रभु कली का ब्रह्मांड में मत जाओ किसी को शिष्य मत बनाओ और किसी का संग मत करो तीन आज्ञा मैं काल व्याख्या करने आप समय थोड़ा बहुत समय में क्या होता है तीन आदेश किया गुरुजी ने परमंश गुरुजी जी गौरकिशोर दत्त महाराज आदेश किया पोपा जी को आप कली का ब्रह्मांड में मत जाओ आप किसी का संग मत करो अमार प्रभु कभी शिष्य मत बनाओ पोपा जी ने बोला मेरा गुरुजी का तीन आदेश मैंने मरते दम तक निभाने के लिए तैयार है अरे क्या हैरान की बात है आपने तो एक भी माना नहीं, नहीं माना माना तो है ही काल विचार करके दिखाएंगे माना है पौपा जी ने बताया हमारा गुरु पाद पद में परमांशु गुरुदेव गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज इन्होंने मेरे को इतना ऊंचा संग दिया ध्यान दे इस बात पर इन्होंने मेरे को इतना ऊंचा संग दिया इतना हाई क्लास इतना ऊंचा संघ दिया कि मेरे को ये घटिया संग करने का कोई रुचि नहीं है आप लोग भागा दौरी करते हो दोस्तों का घर इधर उधर बहाना बनाते हो हमको ये काम है संग में लगे अब क्या आप क्या फ़ायदा है सत्संगो असत्संग मिलावटी नहीं चलता है आपको बचाने के लिए गुरुवर्ग ने ये धाम परिक्रमा का व्यवस्था किया कम से कम ये लोगों को टेस्ट लगे टेस्ट कम से कम सत्संग क्या वस्तु है इसका टेस्ट लगे समझ समझ में आए कि ये ये गुरु वैष्णव का संग क्या है ये बद्ध जीवों को गुरु वैष्णव का संग दिलाने के लिए बद्ध जीवों को हरि कथा सुनाने के लिए ये तमाम व्यवस्था प्पा जी ने व्यवस्था की है हमारे गुरुवर्ग जी ने किए पैसा नहीं लगेगा पैसा नहीं लगेगा आप आओ धाम परिक्रमा करो क्यों क्योंकि धाम परिक्रमा करने से आपका बहुत तरक्की हो सकता धाम परिक्रमा ऐसा चीज़ है जो भगवान क्षमा नहीं कर सकता धाम कर देता है इसका महिमा का बारे में कल हम चर्चा करेंगे आज समय ज़्यादा नहीं लेते हुए इतना तक बताएं काल इस श्लोक का चर्चा करें आत्मा यथत्मा पजते अशौ गाथा सबनो विधान तथा तथा पश्यति सूक्ष्म तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मुष अंजन संप्रयुक्त यहात्मा पीज्यते गाथा सबनो विधान तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मुष अंजन संप्रयुक्तम जैसे आंखों जैसे आंखों में कजरा आंखों में कजरा लगाने से धीरे धीरे आपका आंखों का ज्योति बढ़ते रहेगा भगवान कह रहे उद्धव को जैसे जैसे जीवात्मा जितना जितना जैसे जैसे जितना जितना अप्राकृत हरिकता को सुनते रहे अगर मिलावटी करे आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल चूल्हे में जाओ हम क्या करें हम क्या हम क्या करें कैसे बचाएं अब मिलावटी में जा रहे हो हम क्या करें हमको कुछ करने का नहीं है दुनिया चूल्हे में जाए हम क्या करें हमारा बात सुने तब ना तो ये मिलावटी नहीं चलेगी सत्संग भी चले असत्संग भी चले सत्संग का मतलब है परफेक्ट सत्संग सत्संग का मतलब है असत्संग त्याग सत्संग करना इसको ध्यान दे इस बात पर कैसे दाम परिक्रमा कर रहे हैं धाम का सिक्रेट रहस्य क्या है नवद्वीप धाम क्या है ये वृंदावन धाम के साथ कोई वृंदावन धाम के साथ तो एक ही आप बताया फिर भी क्या है वाइट इज द स्पेशलिटी इन नवद्वीप धाम श्वेत द्वीप है इट इज अपेंडिक्स काल हम इस विषय पे पर पे चर्चा करेंगे आज ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इतना तक बताएं कि आप बड़ा ध्यान देके के ये सब बात को सुने ध्यान देखिए सब बात का मेरा यह बिन्ती है जो भी है तत्साधुम सूरव दे विघ्न धियाम सद गुहात्तम गृहमंदकूपम वन गरिमाश्रयत वाचकल्पद्रुश्य के बांदुब पतितान पावन बैष्णभ्यों न